हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं 11:30 और आज है सैटरडे और डेट है आज ना आज डेट। अच्छा, माइक लगा लिया है आपने बेटू? नौ डेट है आज। हाँ, चलिए तो आज का ब्लॉग में और आज सितंबर और मंथ ही सुन लीजिए। और सितंबर सितंबर भी है। हाँ। और डेट क्या है? डेट है आज नौ। और डे कौन सा है? डे है सैटरडे। अरे वाह, आप तो ब्लॉगिंग करना सीख गए, अब आप ब्लॉग किया करोगे? ठीक है, ओके। अब से मेरा आरंभ ब्लॉग करेगा, मैं नहीं करूंगी। आज मैं अपने बालों में एक हेयर मास्क लगाऊंगी जिसे मैं घर पर ही तैयार कर रही हूँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे किचन में भी अवेलेबल होते हैं। दो चम्मच दही, एक बनाना और थोड़ा सा बादाम, रोगन ऑयल, इन सबको आपस में मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद ये तैयार है हेयर मास्क और मैंने ये अपने बालों के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर किसी के बाल ज़्यादा लेंथी हैं तो वो इसमें और बनाना दही ऐड कर सकते हैं, ऑयल मिक्स कर लें। बाजार में बहुत सारे हेयर मास्क अवेलेबल है लेकिन उनको लगा लेने के बाद तो रिजल्ट अच्छा मिलता है लेकिन कुछ समय बाद बाल रूखे, बेजान, दो मुहे, बहुत सारी समस्या और रोग पैदा हो जाते हैं जो बहुत केयर करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। और आजकल रूसी की समस्या और बालों का झड़ना तो चरम सीमा पर है और फिर भी हम बाजार के चीज़ों को यूज करते हैं तो फिर समझ लीजिए क्या हाल होगा। ये मैं आपसे एक किचन टिप शेयर कर रही हूँ। बड़ी कैन से छोटी बॉटल में मैंने ऑयल भरने के लिए ये ट्रिक यूज की है। मैंने एक बॉटल का आधा पार्ट काट के, जो 20 रुपीज़ वाली कोल्डिंग आती है उसका हाफ पार्ट काट के इससे ऑयल पोर कर रही हूँ तो बड़ी इजीली हो जाता है। मैंने हेयर मास्क अप्लाई किया हुआ है और इसको आफ्टर वॉशिंग मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इसका क्या रिजल्ट आया है। मेरी आज की थर्ड टिप है क्लीनिंग से रिलेटेड। किचन की गैस के बर्नर जो काफ़ी ब्लैक पड़ चुके थे उन पर मैंने हार्पिक लगाकर उनको एक बाल्टी में रख दिया है। आफ्टर सम टाइम मैं देखूंगी कि क्या रिजल्ट आता है, मुझे खुद भी नहीं मालूम, मैंने भी किसी वीडियो में ही देखा था। और अभी ना मैं जो टाइल पर कुछ दाग लग गए हैं उनको छुड़ा रही हूँ, इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, वो भी आपसे शेयर करूंगी। उसी सॉल्यूशन से मैंने सारी सफाई कर ली है और अब मैं इसी कपड़े को कॉम्फर्ट और वाटर में भिगोकर एक बार और सारा किचन वाइप करूंगी जिससे कि बहुत अच्छी सी महक हो जाए मेरी किचन में। ये है मेरी चौथी टिप जिससे मैं फर्नीचर साफ करूंगी। सबसे पहले मैंने हार्पिक लिया है, फिर उसमें कॉम्फर्ट मैंने डायरेक्टली मिक्स कर दिया है, बेम एंड पानी को मिला के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये स्क्रबर लिया है, हमें ना यूज किया हुआ स्क्रबर लेना है क्योंकि अगर हम न्यू लेंगे ना तो वो हमारे फर्नीचर पर स्क्रैचेस भी बना सकता है। अभी आप देखिए मेरे फर्नीचर की चमक।
फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग टिप एंड ट्रिक्स का नहीं है, बट जब मैं काम कर रही थी तो मुझे लगा कुछ इस शेयर करने लायक है तो शेयर कर लिया जाए, तो मैंने आपसे ये सभी चीज़ें शेयर की हुई है। मैं वैसे अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। और ये देखिए साइड की जो पट्टी है ना, उसको भी साफ कर लेंगे, कई बार ये हमारे हाथों से रह जाती है। आज अच्छे से किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब नंबर है बर्तनों का, या लेडीज हैं ये सब काम तो बने ही रहते हैं। इस तरह वाइपर में पोछा लगाकर मुझे मोपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत साफ सुथरा एकदम क्लीन चमक आ जाती है। वैसे तो मोपिंग मैं मोप से भी करती हूँ, लेकिन जब मैं नहा लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं मोपिंग स्टिक से ही ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। और देखिए साथ में मशीन भी चल रही है, तो सारे काम एक साथ ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि जल्दी फ्री हो सके। एक एक करके काम करेंगे तो पता नहीं कब शाम कब नाइट पता ही नहीं चलेगा। तभी लेडीज को कहा गया है मल्टी वर्किंग विमेन। अब इनको शो की हुई काफी समय हो गया है, इसको भी मैं देख लेती हूँ क्या कंडीशन है। पहले मैं आपको अपनी क्लीन की हुई किचन दिखाती हूँ। हंड्रेड परसेंट रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन काफी हद तक क्लीनिंग तो हुई है, 80% के समथिंग। और बकेट तो बहुत ही ज्यादा साफ हो गई, जो दाग थे पानी के जमे हुए वो बिल्कुल साफ हो गए। इसीलिए अब मैं अगेन ट्राई कर रही हूँ, शायद और थोड़ा क्लीन हो जाए। तो मैंने दूसरी बकेट का यूज किया है, जिससे इसकी भी जो बॉटम में पानी के स्पॉट है वो भी हारपिक से वो तो साफ हो ही जाएंगे। ये देखिए इन्हें मैंने ब्रश से और साफ कर लिया है। काफी कपड़े धुल चुके हैं और अब समझ नहीं आ रहा बाहर डालूं या ना डालूं। मौसम भी खराब हो रहा है और छत पर काफी सारी लकड़ियां भी रखी हुई हैं। ये देखिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है, और हेयर वॉश के बाद ही देखिए कितनी शाइनिंग आ गई है। और अभी जब ये ड्राई हो जाएंगे ना, तब मैं इनको कॉम्ब करके बताऊंगी, इनमें बहुत शाइन आ चुकी है। एक तो ये प्रोडक्ट नेचुरल होने से ना ये बहुत ही सेफ होते हैं, और आजकल वैसे भी बालों में इतनी समस्या है, इचिंग, डैंड्रफ, बालों का झड़ना और भी कई स्प्लिटेंस, बहुत कुछ, मतलब जो हमारे बालों के लिए बाहर के प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, जो केमिकल से भरपूर इतने भरे हुए होते हैं ना, जिसकी वजह से ना बाल तो हमारे ख़त्म ही होते जा रहे हैं। इसलिए जहाँ तक हो घर के ही प्रोडक्ट यूज करके, ऐसी बहुत सारी रेमिडीज होती है, हम यूट्यूब पर सर्च करके पता कर सकते हैं। Then, ये देखिए मैं हेयर कॉम्ब कर रही हूँ, कितने अच्छे मेरे हेयर हो गए, स्ट्रेट भी हो गए हैं। हाँ, बाजार के प्रोडक्ट जैसा रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन वो तो इंस्टेंट रिजल्ट होता है ना, बाद में बहुत डैमेज हो जाते हैं। वैसे इसको यूज करने से बालों को कोई हार्म नहीं पहुंचता है, बहुत इजी तरीके से सुलझ रहे हैं। मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ ना, तो बाबू कुछ ना कुछ लेके मेरे पास आ ही जाता है। और बस अब मैं बालों को बांध कर पूजा करूंगी, उसके बाद मुझे अपना नाश्ता भी तैयार करना है।
को तो मैंने उसके लंच में ही रख दिया, और इनको भी खिला पिला दिया, और बेटी को भी मैंने खिला पिला के उसे कंप्लीट कर दिया। और अब मेरी बारी है। आज ना मैं अपने नाश्ते में दूध ले रही हूँ जो बिना चीनी का है, और एक सेब लिया हुआ है। मैं इसी टाइप का नाश्ता करती हूँ जो थोड़ा पौष्टिक होता है, शरीर को जिससे न्यूट्रिशंस मिले। वैसे तो ना ये लंच टाइम होता है, पर लंच टाइम पर मैं नाश्ता करती हूँ, और लंच टाइम पर सबको लंच कराने के बाद मेरा टाइम जब होता है, जब शाम हो जाती है। लेकिन बड़े रिलैक्स होकर मैं करती हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और टीवी को एंजॉय करते हुए ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और भाभी जी चल रहा है जो मेरा फेवरेट शो है। इस सूटकेस को मैं खाली कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ऊपर रखवाना है। मिष्टी ही रखती है, वो अभी है तो उससे रखवा लेती हूँ। पहले ना मेरी मिष्टी को ऊपर चढ़ने से या उतरने से या जंप लगाने से बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने उसको धीरे धीरे मोटिवेट करके चढ़ना भी सिखाया, और आज देखो वो जंप लगा रही है उतरने के लिए। लेकिन लगा नहीं रही थी तो मैंने उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो उसने भी कोशिश की, आखिर लगा ही ली बच्ची ने। और ये मुझसे ना स्लो मोशन में अपना वीडियो बनवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो अभी नए मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, और लाइक एंड शेयर कीजिए। थोड़ा बहुत तो कुछ आपको मिला होगा, बहुत मेहनत की है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू। Don't leave me high and dry.